वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है रवि अहमद साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उनका एक प्लाजा है जो कि बना हुआ पड़ा हुआ है, 8 मरले का प्लाजा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो किराए पे ही लग रहा है। लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे अभी कोई इतना खास ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, तो वो किराए पे लग नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की जब सिचुएशन बन जाती है तो सिचुएशन में बंदा क्या करे कि बंदा अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या उसको बेटर करे उसके अंदर कि वो किराए पे लग जाए, अच्छे किराए पे लग जाए। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, किराए पे जो लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, एक मुख्तलिफ उनकी ना एक माइंडसेट होता है, क्योंकि किराया वसूल करना और जो जिसको आप टेनेंट कहते हैं या जो आके किराए पे लेता है और उसको रखना, यानी उसको इतना कोई इंसेंटिव या कोई इस तरह स्पेस फ्राहम करना सो दैट के वो एक तो फिजिकल स्पेस है, एक दूसरी स्पेस है, सो दैट के उसका एक आप समझिए उसका अपना एक गेम प्लान बन जाए कि वो उसका बिजनेस चल निकले। अगर कमर्शियल है तो, अगर रेजिडेंशियल है तो वो उसको कंफर्टेबल फील करे कि यार अच्छी जगह है जो कि मुझे मिल गई है या कन्वीनियंट है ये वगैरह। उसमें बुनियादी तो ये है कि अगर रेजिडेंशियल है तो उसमें जो आपका काम है वो मियारी होना चाहिए, पैसे लगाएंगे तो वो फिर ही अगला जो है ना वो मतलब अच्छा फील करेगा ना, उसको पैसा देते हुए वो तकलीफ़ नहीं होती। जब हमने चीज़ उस लेवल की नहीं बनाई होती तो वो किराया उस लेवल का नहीं मिलता, या वो जो किराए पे आएगा वो चला जाएगा। कि उसमें देखिए बहुत कुछ है ना, इसमें बड़ा बिल्डिंग के जो बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई सीपेज है, कहीं पर लीकेज है, कहीं पर ड्रेनेज का मसला है, कहीं पर पानी के इशूज़ हैं, ठीक है ना जी। अपना अपना पानी नहीं बिल्डिंग का और वो कहीं से पानी आता है, वो इश्यूज़ हैं। ये सारी जो दिक्कतें हैं ना जो इंसान ने रहना है या उसने कारोबार करना है तो वो हर एक को उसी तरह फील होती है जैसे हमें फील होती है। तो इस सूरत में लोग जो है वो किराया पे रहते नहीं हैं। बोर का इंतज़ाम होना चाहिए अगर पानी का वो है तो वो, क्योंकि पानी बुनियादी ज़रूरत है, अगर वही नहीं होगी तो फिर वो अच्छी जगह भी बुरी लगेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। फिर अगर फ़र्ज़ करें कमर्शियल है, जैसे आपने प्लाजे की बात की तो उसमें कमर्शियल है, अब वो कमर्शियल कितना कामयाब है, अब आपने पूरी तफसीलात तो नहीं बताई कि वो किस जगह है, या वो बहरिया में है या बहरिया से बाहर है। तो जो बहरिया में देखिए जो भी रेंट पे जगह लेते हैं ना, उनकी पिक एंड चूज होती है कि वो बेहतर जगह पे उनका राइट है कि वहाँ पे वो किराए पे लेके बैठे। अच्छा, वो जो बेहतर जगह पे किराए पे लेके बैठते हैं तो बाकी जो जगह होती हैं जो बी सी आप समझ लें कैटेगरी समझ लें या उनके लिए सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस होती है, उसमें बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस फर्स्ट चॉइस वाली जगह पे चलता है। और अभी हम तो अब खुद ही बताते रहते हैं कि आप इस पर कंप्रोमाइज ही ना करें कि भाई आप थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग जगह ले लें और आप कहीं बिजनेस चल जाएगा, पूरा बिजनेस सफर हो जाएगा। अगर कस्टमर ने आना है तो ऐसी जगह होना चाहिए, कोई शोरूम है, डिस्प्ले है या कुछ तरह की जगह है कि जहाँ एकदम कस्टमर की नज़र पड़े। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जगह बहुत बेशुमार है, चॉइस बहुत ज़्यादा है वहाँ आपका जो है ना। एक जैसे हम अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 101 के बारे में कहते हैं कि जी हर बंदे को बोर्ड पे नज़र पड़ेगी, वो जानता आता हुआ देखता रहेगा, उसको विजिबल जगह है तो और उसका व्यू हमेशा के लिए है। तो ऐसी जगह पे रेंट पे लेने का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आपको ना एक एक्स्ट्रा माइलेज मिलता है। और अदरवाइज़ अगर आपको आगे प्लाजे में घुस के लेफ्ट हो के राइट हो के तो वो कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो वो कम होंगे। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि भाई वो जगह पीछे है तो वो किराए पे नहीं लगती, और लगती है तो बंदा टिकता नहीं, वो चला जाता है। अच्छा, अगर पीछे है तो फिर उसका किराया कोई कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए जगह के हिसाब से ना। देखिए लोकेशन बड़ी मैटर करती है रियल एस्टेट में। अगर आपने खरीदते हुए लोकेशन कंप्रोमाइज की तो पैसे सस्ती जगह ली हो या कम पैसों पर ली होगी, अब आपको रेंट के ऊपर वो कंप्रोमाइज आपको करना होगा जो आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हुए किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉप जगह पे टॉप लोकेशन में चीज़ लेनी चाहिए, उसकी जो है ना एक वैल्यू है, उसका रीसेल है, उसका रेंटल है, उसका आरओआई बेहतर मिलता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी जगह के ऊपर आप जगह लें। अगर आप जो भी सूरत हाल है इसके अंदर आपको ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किराए पर करना होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा कि जो बंदा आए उसको एक इंसेंटिव मिले रहने का या कारोबार करने का। आई डोंट नो, किराया रीजनेबल हो या किराए में थोड़ा छूट हो कुछ अर्सा, उसके बाद आप उनसे मतलब कोई कंडीशंस थोड़ी ऐसी नरम हो कि अगला बंदा टिक जाए तो वो जगह चल जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है ना आपके एंड पे है।
बाहर मार्केट तो उसी तरह से ही बिहेव करेगी ना जैसे कर रही है। आपने अपने आप को चेंज करना है तो आपकी बिल्डिंग ने किराए पे लगना है। अब हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर की या लोअर ग्राउंड की शॉप थी, दो उनका किराया कम आ रहा था, हालांकि वो जगह अच्छी है क्योंकि उन्होंने किराया कम पे लगा दिया था, क्योंकि नहीं थोड़ा जब किराए पे चीज़ लग जाती है तो कुछ ना कुछ तो आ रहा होता है ना, उसका पर्पज़ हल हो जाता है। लेकिन हेल्दी रेंट जो होगा तो वो जगह बिकती है जिसमें मिनिमम 0.5% रेंट हो, अगर 0.3% हो तो वो जगह ज़रा आस्था बिकती है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि यार किराया कम आ रहा है, अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो वो भी ऐसी जगह होती हैं जो जिसके ऊपर आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, वहाँ पे अगर आप कोई अपना बिजनेस खोलते हैं या अपना कोई ऐसा है जिसमें आपका शोरूम भी है, आपके स्टोरेज है आपका इस तरह, तो वो आप खुला सेटअप कर सकते हैं अपना, और आपको वो बजाय कि आप किसी को दें सस्ते तरीन पैसों में, तो उससे बेहतर है कि आप खुद वहाँ कोई वेंचर करें ताकि उस जगह से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आप उसको किराया जितना किसी को देना चाहते हैं अपने आप को समझें कि इस बिल्डिंग का इतना किराया आ रहा है, तो वहाँ आपका काम फिर उससे आप बेहतर आउटकम ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कर फर्ज करें बहुत पीछे हट के हैं तो वहाँ हॉस्टल बन सकता है, वो इस तरह की चीज़ बन सकती है, लेकिन इसके अंदर ना बीच में एक मैनेजर टाइप बंदा रिक्वायर्ड है कि जो इन चीज़ों को मैनेज करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, हमारे यहाँ भी हम प्रोफेशनली बहुत पीछे हैं, बिजनेसेस में लोग चाहिए, कारोबार करने वाले तनख्वाहें देना चाहते हैं, उनको मराद देना चाहते हैं, उनको काम सिखाना चाहते हैं, लेकिन सीखने वाले काम करने वाले कोई नहीं है। आप बंदा ले लें तो सिर्फ लाइबिलिटी होगा उसका, आप कोई बहुत बड़ी आउटकम नहीं मिलती, तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह। तो बहरहाल आपके केस के अंदर आपको थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा अपनी जगह की जो भी वैल्यू और पोजीशन है उसके मुताबिक ही आपको जो है ना वो किराए पर लग जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।